वेलकम करता हूँ सभी का एक फ्रेश वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ GTA ऑनलाइन का ग्राफिक्स मोड पैक। जी हाँ गाइस, GTA ऑनलाइन का ग्राफिक्स मोड पैक फॉर योर GTA San Andreas एंड्रॉइड आज ले आया हूँ आपके एंड्रॉइड वर्जन। चाहे 13 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, ये मोड पैक वर्क करने वाला है आपके फ़ोन के अंदर। और इस वाले का जो मैंने गेम प्ले है, जो ट्रेलर है, मैंने डाल दिया था। बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन टू गेम प्ले था, तो आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा उसको, और अगर नहीं देखा है तो आप अब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ गेम प्ले ऑफ दैट ग्राफिक्स मोड पैक। प्लस आपको देने वाला हूँ मैं सारी की सारी डिटेल्स जो कि आपको नीड होगी, जिनकी आप अगर गेम इस वाले मोड पैक को डाउनलोड करने जा रहे हो और देखना चाहते हो कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो इस वाले मोड पैक के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। प्लस एक्स्ट्रा जो गेम प्ले है, थोड़ा यूनिक टाइप का भी गेम प्ले मैं आपको इस वाले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले गाइस, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है कर लो, और अगर जिन लोगों ने कर दिया है बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, काफ़ी लोगों को नहीं जा रहा है, तो नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करना मत भूलना। एंड वन ऑफ मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपका गेम बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है मोड पैक डाउनलोड करने के बाद में, आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हो जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप में से काफ़ी लोगों को मैंने बता रखा है, आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो, जो भी आपका क्रैश है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और अगर फिक्स नहीं होता है क्रैश, आप आओ सीधा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और डिस्कॉर्ड पर आकर के मुझे वहाँ पे DM करो। मैंने ऑलरेडी अपने सोशल्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप मुझे जब चाहो जब मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर और डिस्कॉर्ड पर। डिस्कॉर्ड पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप डिस्कॉर्ड पे भी DM कर सकते हो अगर आपको क्विक रिप्लाई चाहिए। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं, दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगा, कैसा गेम प्ले दिखने वाला है, क्या फीचर्स आपको मिलने के लिए देखने के लिए मिलने वाले हैं, और आपको क्या क्या देखने के लिए क्लो स्क्रिप्ट है जो इस वाले मोड पे के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। लेट्स गो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको GTA ऑनलाइन का कैरेक्टर मिल जाता है देखने के लिए, जो कि आपको GTA रियल GTA ऑनलाइन में देखने के लिए मिलता है, वो कैरेक्टर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसी क्लो स्क्रिप्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिससे आप अपने पूरे कार को कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि एक एडवांस थिंग है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यार मुझे पता है काफ़ी लोग पूछेंगे कि यार अगर ये GTA ऑनलाइन का मोड पैक है तो ये ऑनलाइन सपोर्ट करेगा कि नहीं, तो मैं आपको पहले बता दूं, ये GTA ऑनलाइन मोड जो है इसकी ये एक इसके थीम के ऊपर बेस्ड है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और जैसा जिस अकॉर्डिंग इसका मैप है और जिस अकॉर्डिंग यू नो इसकी इसका कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसकी स्किन्स जो देखने के लिए मिल जाएगी, उस बेसिस पर मैंने इसको GTA ऑनलाइन का ग्राफिक्स मोड पैक देकर नेम देकर के यहाँ पे पब्लिश किया है। और लोगों को मैं बता दूं कि ये वाला मोड पैक जो है रियल में ऑनलाइन नहीं चलने वाला, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये एक GTA San Andreas मोड है, और GTA San Andreas मोड के नाती आई डोंट थिंक ये ऑनलाइन सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया ऑनलाइन, ये नहीं चलने वाला है। GTA San Andreas ऑनलाइन खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो सैम के द्वारा अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, बट वो अलग वीडियो हो जाएगी। बट अभी मुझे लगता है इस वाले जो गेम के ऊपर मैं बात करूँ, तो पहले आपको ये क्लियर हो चुका है ये गेम ऑनलाइन नहीं है, ये गेम ऑफलाइन है। और इस ऑफलाइन गेम के अंदर आपको बहुत अच्छे ग्राफिक देखने के लिए मिलने वाले, जो मोड पैक जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वाला, इस स्पेसिफिक मोड पैक के अंदर बहुत अच्छे ग्राफिक्स मोड पैक बहुत अच्छे ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो स्काई बॉक्स है वो एक्चुअली रियलिस्टिक ग्राफिक्स मोड का स्काई बॉक्स है, जो कि मैं देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, क्योंकि ऐसा स्काई बॉक्स यार बहुत कम ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर होता है, और जिन ग्राफिक मोड पैक के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बन जाता है अपने आप ही, क्योंकि स्काई बॉक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा जो कार्ड देखने के लिए मिल जाएगी वो बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स कार्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो सिमिलर GTA 5 की तरह होगी, और आप उन कार्ड्स को जब ड्राइव करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या रिफ्लेक्शंस व्हीकल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी कार्ड्स होती है GTA San Andreas एंड्रॉइड के अंदर, तो उन सब का जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सप्लोर करके एवरी कार को, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे रिफ्लेक्शन के टर्म्स में, या फिर स्कीन्स के टर्म्स में। एक्चुअली जो आपकी कार्ड्स होने वाली है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है, और रिफ्लेक्शंस बहुत अमेजिंग होने वाले, जैसा कि आप अपने इस वाले गेम प्ले के अंदर देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, स्काई बॉक्स के ऊपर मैं वापस आऊँगा, अगर आप अपने टाइम को चेंज करते हो, यानी कि सनी वेदर करते हो, नाइट में आप जाते हो, तो आपको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप अपने गेम प्ले में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है मैं वेदर चेंज कर करके भी आपको जो है गेम प्ले दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको
ये आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में आपका जो स्काई बॉक्स है वो कैसा दिखने वाला है नाइट मोड के अंदर भी और सनी वेदर के अंदर भी और मिड वेदर के अंदर भी गेम कैसा दिखने वाला है, वो सब का आइडिया तो आपको अभी हो ही गया होगा। और कार्ड्स तो आप यार देख ही पा रहे हो, कार्ड्स तो अलग ही एडवांस लेवल की कार्ड्स है, जो कि आई डोंट थिंक यार GTA San Andreas डिफॉल्ट में या फिर ऐसे कार्ड्स की जो है नॉर्मल मिल जाती है डाउनलोड करने के लिए भी इनकी DFF फाइल। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यार, वाला जो ग्राफिक मोड पैक जिसने भी क्रिएट किया है उनका जो क्रेडिट है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा क्रेडिट उनको जाता है, आप उनको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बट फॉर नाउ ये वाला जो ग्राफिक मोड पैक है इसमें मैंने कुछ कंट्रोल के अंदर कस्टमाइजेशन किए, जैसे कि आप हमने स्क्रीन पर देख सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट आई थिंक कि यार आपको ये वाला ग्राफिक मोड पैक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसने मुझे प्रोवाइड किया है टिल नाउ, जब तक मैंने इसको खेला था और जिसको मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था, लैग नहीं कर रहा था। एंड्रॉइड 13 के अंदर ये वाला मोड पैक चल रहा है, जो लोग बोलेंगे एंड्रॉइड 13 में वर्क नहीं कर रहा है, ये वाला मोड पैक का जो गेम प्ले है मैंने एंड्रॉइड 13 के अंदर रिकॉर्ड किया है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार इससे नीचे वाले एंड्रॉइड वर्जन में भी आराम से चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं आएगी। और अगर इशू वाली बात आती है तो भाई आप अब मुझे DM करो, मैं बैठा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो रोड्स आपको देखने के लिए मिलेगी वो एक्चुअल में बहुत अमेजिंग है। तो जो फर्स्ट पर्सन मोड देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैंने आपको ट्रेलर में भी आपको बताया था इसका गेम प्ले, तो स्टार्टिंग का गेम प्ले था ये, बहुत अच्छा दिख रहा था उस टाइम पे। तो आई होप कि ये वाला जो व्यू है आपको, व्यू एंगल जो गेम के है, वो भी बहुत ज़्यादा औसम देखने के लिए मिलेंगे। ऑल दो FOV मोड मैंने बहुत में ट्राई किया, लेकिन उसमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस आता नहीं है, लाइक आगे मिरर आ जाता है तो प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी कभार। तो बेसिकली ये था GTA San Andreas का इस वाले वर्जन का मॉड पैक। आई होप कि यार मैं आगे जाकर के इसके और वर्जन्स को अपलोड कर सकूं, जितना मुझे लगता है कि मैं इसके और वर्जन्स को बनाऊंगा, या फिर मैं इनको कस्टमाइज करूंगा, या फिर मैं एक अच्छा ग्राफिक्स मॉड पैक ढूंढ करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यार, हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो वो भी दबा दो, क्योंकि बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। और एक लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली है, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है 20K पर। तो आई थिंक कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो यार अब आपको पता लग गया होगा, तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और उसके अलावा अगर मैं इस वाले मोड पैक के ग्राफिक्स मोड पैक के इंस्टॉलेशन की बात करूं, इंस्टॉलेशन में जैसा कि आपको पता है कि इंस्टॉलेशन का जो गेम प्ले इंस्टॉलेशन जो है इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखाने वाला। इसका रीज़न ये है कि कभी कभार मुझे YouTube से एड रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को अपने स्क्रीन पे रिकॉर्ड करते हुए, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो पर जाकर के आप इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं कैसे ये होने वाला है। मैंने अपने जितने भी मॉड पैक प्रोवाइड किए उनका जो इंस्टॉलेशन है वो सेम रहता है, और वो सेम इंस्टॉलेशन मैंने आपको उस वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी मैं दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट वीडियो। बट या गाइस, आई होप कि ये वाला ग्राफिक्स मोड पैक आपको अच्छा लगा होगा और सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो यार मुझे कमेंट में आकर के कमेंट करो। अगर आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए, आपको DM करना है मुझे, जैसे कि मैंने इस वीडियो में 2-3 बार बोल चुका हूँ मैं, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, गेम क्रैश करा जा रहा है, तो प्लीज़ DM मी ऑन Instagram या फिर ऑन Discord, आई विल सपोर्ट यू, आई विल गाइड यू, क्या इशू आ रहा है, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना आपकी हेल्प करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो टिल नाउ, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, अगर आप इस टाइम तक देख रहे हो, एंड बाय गाइज़।